हाय गाइस, वेलकम टू टेस्ट इंडिया। मैं हूँ ईशा। आज का हमारा वीडियो है कुकिंग पे और आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फी। ये खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है और बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाती है। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमने एक बाउल बेसन लिया है। हमने इसे कप से मेजरिंग किया है, तो ये एक कप बेसन है, एक तिहाई कप चीनी है, 3 चम्मच मिल्क पाउडर है, आधा कप घी है, ये देसी घी है, 1/4 कप सूजी है, थोड़े से ड्राई फ्रूट है गार्निश करने के लिए, 5 से 6 इलायची पाउडर है और 1 से 2 बूंदे हम फूड कलर लेंगे, ये येलो कलर है। अब हम बेसन की बर्फी बनाना चालू करते हैं। हमने गैस ऑन कर ली है। अब पैन में हम घी डाल के घी को अच्छे से गर्म करेंगे। और गैस की फ्लेम हाई कर देंगे ताकि जो हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाए। हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें बेसन ऐड करेंगे, सूजी ऐड करेंगे और मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। इस मिक्सर को हम लगातार मिक्स करते जाएंगे ताकि जो हमारा बेसन है, सूजी और मिल्क पाउडर अच्छे से भून जाए। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है और इसे आप लगातार चलाते रहें। इसे हम मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे। ये हमारा बेसन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे लगभग 6 से 7 मिनट लग गए हैं भूनते भूनते। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर हम पिसी हुई चीनी ऐड कर रहे हैं। आप भी चीनी को पीस कर ही यूज़ करें। फूड कलर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, और इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए बेसन की बर्फी में। वैसे मीडियम फ्लेम में ही आपको पकाना है और लगातार इसे मिक्स करते रहेंगे आप। अब 2 मिनट के बाद हमारी चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है बेसन के साथ में। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी बेसन की बर्फी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम एक प्लेट लेंगे ग्रीस करने के लिए, जिसमें हम बेसन की बर्फी को जमाएंगे। हमने यह स्क्वायर शेप का वेसल लिया है बर्फी को जमाने के लिए। अब हम इसमें घी डालेंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब बर्फी के मिक्सचर को हम इसमें डाल लेंगे अपने वेसल में। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे गार्निश करने के लिए। हमने यहाँ बादाम और पिस्ता लिया है गार्निश करने के लिए। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। बर्फी को सेट होने के लिए हम इसी तरह से 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। हमारी बेसन की बर्फी 1 घंटे के बाद अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे पीसेस कर लेंगे। हमने बेसन की बर्फी के पीसेस काट लिए हैं और ये अब खाने के लिए तैयार हो चुकी है। हमारी बेसन की बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।